हाय फूडीज, आज किचन मुट आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हैं। ये कुछ किचन टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत इजी एंड यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नंबर वन टिप है, ये है ब्रेड। ये देखिए, हमने ली है ब्रेड। ये ब्रेड के हम पीस दो तीन निकाल लेते हैं तो ऐसी ब्रेड हो जाती है, हमें समझ नहीं आता। हम कभी रबड़ बैंड लगाते हैं, कभी कुछ। अब आप ऐसा नहीं करेंगे। ये हमने ब्रेड ली, एक हाथ ऊपर से नीचे से हम इसको गोल गोल घुमाएंगे। हम ये ऊपर से इसको नीचे तक फैला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा ऊपर से कवर हो जाएगा आपका। ये देखिए कितना ईजी है और आपकी ब्रेड बिल्कुल नहीं सूखेगी। आप मेरे कहने पर इस टिप को यूज़ कीजिएगा। कितना ईजी और यूज़फुल टिप है ये। अगर आपको ये टिप मेरा अच्छा लगता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको टिप मेरा कैसा लगा। नंबर टू पे है ये बटर। ये देखें, हमारे पास बटर होता है, ये ऐसे खुला रह जाता है। हम ऊपर से निकालते रहते हैं, पर अब हम नहीं निकालेंगे ऐसे। ये देखें, हम जो वेस्ट कवर है हम इसको निकाल देंगे इसको ऐसे करके, और ये जो पीछे का है हम इसको बीच में से निकाल देंगे। अब ये जो पेपर का है हम इसको भी निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे अब इसको, हम इसके करेंगे छोटे छोटे पीसेस। ऐसा होता है ना, ये देखिए कितना गंदा लगता है ऐसे देखने में। हम स्पून के साथ कभी ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कम ले लेते हैं, लेकिन अब नहीं। आप इसको ऐसे ऊपर से हम इसका अलग कर देंगे ये पार्ट। तो अब हम इसके छोटे छोटे से ऐसे पीसेस करेंगे। पहले हम लंबे लंबे से क्यूब्स वगैरह फिर इसको करेंगे, क्यूब्स में काटेंगे। तो ये देखें, हम इसको ऐसे कर लेंगे। जब आपके पास बटर आता है, अगर आप तभी कर लें तो बहुत यूज़फुल है ये। मैं तो तभी कर लेती हूँ, पर मैंने ये वीडियो बनानी थी तब मेरे को ये होता रहा, ऐसे निकलता रहा बटर। तो ये देखें, मैं तो इसके छोटे छोटे पीस ऐसे निकाल लेती हूँ। आपका बटर भी कम लगता है, और देखें ज़रा, और इतना बढ़िया लगता है जब आप टेबल पर रखते हैं फोक के साथ इसको, बहुत बढ़िया लगता है। ये देखें, अब इसके मैं सारे छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। कितना बढ़िया टिप है ये। देखें ना, आपका बटर ख़राब होगा ना, आपके बटर से स्मेल आएगी। बस आप ऐसे ही इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। हमने कट कर लिया है। अब मैंने लिया है एक बॉक्स, ये देखें एक मैंने ले लिया है। अभी सारा बटर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो हम इसको डालने से क्या होगा ना, ना हमारा कहीं बिखरेगा और हमारा सेफ़ रहेगा, और छोटी सी जगह में ये बटर आ जाता है। तो ये देखें, हमने ये कर लिया है। अब हम इसके ढक्कन को बंद करेंगे, इसकी लिड को, और हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो इतना बढ़िया लगता है। जब आपने यूज़ करना है तब आप इसको निकालिएगा, जब आपने यूज़ नहीं करना तब इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। ये देखें, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, जब आप ओपन करते तो कितना बढ़िया लगता है। बस आपने ऐसे ही उठाकर टेबल पर रख देना है। बच्चे भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं। अब हमारा है थर्ड टिप है ये। ये देखें, ये हमारा है तेज पत्ता। हमारे पास तेज पत्ता होता है, बेलीफ होता है, तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, बड़ा बड़ा होता है तो हमारा ये मुड़ जाता है, तो हमें यूज़ करने में बहुत दिक्कत आती है कि हम इसको स्टोरेज कैसे करें। तो अब हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखें, एक मैंने बॉक्स लिया और हम इसके छोटे छोटे कट पीस कर लेंगे। ये देखें, ये हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये आप थोड़ी सी जगह पर भी आपका पूरा आ जाएगा। नहीं तो हमें क्या होता है ना, हमें ये तेज पत्ता रखने में बहुत दिक्कत होती है, मुड़ जाता है, कभी कहाँ रखना पड़ता है और पूरा कहीं आता नहीं है, और देखने में इतना ज्यादा लगता है लेकिन होता ये बहुत कम है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये मुड़ा हुआ होता है तो ऐसे ही रखते हैं जब हम मुड़ जाता है, लेकिन जब हम पीसीस में रखेंगे तो हमें नहीं मुड़ने की ज़रूरत पड़ेगी इसको। तो हमें बड़ा यूज़ इजी करना हो जाएगा, क्योंकि हमें जब यूज़ करना होता है, हमने इतना बड़ा कई बार पत्ता नहीं डालना होता है, हमें थोड़ा सा चाहिए होता है। लेकिन जब आपके कट पीसीस होंगे तो आप आराम से इसको उठाकर अपनी सब्जी में डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया ये मैंने आपको टिप दिया है। तो ये देखें, कितना थोड़ी सी जगह पर आ गया और कुछ टूट जाता है ऐसे। ये देखें, थोड़ा सा हमारा अब रह गया है। देखने में कितना ज़्यादा था, हमारी प्लेट भरी हुई थी। अब देखने में देखें कितना छोटा लग रहा है ये, थोड़ी सी जगह में अब आपका आ जाएगा। और आपने जितना यूज़ करना है आप उतना यूज़ कीजिएगा, और इसको बंद करके आप एक जगह पे रख सकते हैं। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको टिप कैसा लगा। ये हमारा फोर्थ टिप है, और बड़ा बहुत ही यूज़फुल टिप है ये हमारा।
हम जब लहसुन हमारे पास होता है, हमने तड़के के लिए इसको छीलना होता है, अब हमें दिक्कत नहीं होगी। हम इसको रखेंगे माइक्रोवेव में और इसका टाइमर लगाएंगे 1 मिनट 25 सेकेंड। आप इसको कम भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने इतना ही लगाया, इसमें बिल्कुल छिलका आपका निकल जाता है जो इसकी स्किन है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, मैं इसको ज़रा सा ऐसे करूँगी इसको टक, तो ये देखें, ये पूरा ऐसे उतर जाएगा। आपको कोई इसको लहसुन को पानी में डुबोने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आपको इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको टच ही करेंगे तो आपका ये छिलका उतर जाएगा, जो इसकी स्किन है ये पूरी उतर जाएगी। तो आप इसका टाइमर कम भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा लगाने से ये होता है कि इसकी स्किन आराम से उतर जाती है और आप इसको आराम से कट पीसीज में आप तड़का लगा सकते हैं। ये हमारा लास्ट टिप है, हमने घी बनाना है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ चावल के दाने। चावल के दाने डालने से ये होता है कि ये जो आपकी ये जो झाग है ये बाहर बिल्कुल नहीं आती। कई बार कढ़ाई से हमारी झाग नीचे गिर जाती है और कढ़ाई बाहर से बहुत गंदी हो जाती है, लेकिन ये नहीं निकलेगी जब आप चावल के दाने डालेंगे तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। चाहे आप पड़ोसी के घर बैठे, चाहे आप टीवी देखें, नहीं नहीं मेरी बातों में नहीं आना है, पड़ोसी के घर बिल्कुल नहीं बैठना है और आपने सिर्फ घी की तरफ ध्यान देना है। तो देखें आप, बहुत जल्दी ये घी बन जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा ये टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे कैसे लगे आपको। अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके एवरीवन, बाय बाय।